अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 के टीजर में परेश रावल के फैंस ने उन्हें काफी मिस किया है। हालांकि उन्होंने बताया कि वह फिल्म का हिस्सा क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है परेश रावल ओ माय गॉड 2 का हिस्सा और उन्होंने क्या बताया वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ओ माय गॉड 2 को लेकर काफी बज बना हुआ है। बीते मंगलवार यानी 11 जुलाई को ही इसका दमदार टीजर रिलीज किया गया था, जिसके बाद से ही फिल्म को लेकर काफी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। बता दें कि यह फिल्म 2012 में आई ओ माय गॉड का सीक्वल है। पिछली फिल्म में अक्षय के साथ परेश रावल को देखा गया था, लेकिन इस बार फिल्म में अक्षय और पंकज त्रिपाठी नजर आ रहे हैं। अब ओ माय गॉड 2 के टीजर को देखने के बाद परेश रावल के चाहने वाले उन्हें काफी मिस करने लगे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने सवाल किया है आखिर परेश इस फिल्म का हिस्सा क्यों नहीं है। उन्होंने पिछली फिल्म में अपने बेहतरीन रोल से ऑडियंस का खूब दिल जीता था। वही अब खुद परेश रावल ने खुलासा कर दिया है कि क्यों उन्होंने ओ माय गॉड 2 से किनारा किया है। रावल ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई। परेश ने कहा कि मुझे फिल्म की कहानी अच्छी नहीं लगी और इसीलिए मैं इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाया। मुझे इसके किरदार में मजा नहीं आया तो मैंने इसे करने से इनकार कर दिया। अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म की कहानी बेकार होगी, क्योंकि जिस हिसाब से फिल्म के टीजर ने अभी से इतना भौकाल मचा रखा है तो सोचे जब फिल्म रिलीज होगी तब क्या होगा। खैर जो भी हो, फिल्म अच्छी होगी या बुरी वो तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।